आज 27/2/2022 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज्ड कोर्स है 18 जनवरी 1990 मधुबन। तो आज बाबा ने टाइटल दिया स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्या राज। आज बाबा ने कहा सेवाएं तीव्र गति से कैसे बढ़ी, स्वयं की भी और सब की भी, उसका डीप राज बता रहे हैं कि पहले, क्योंकि 18 जनवरी 1990 की मुरली है जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए थे, तो बाबा ने कहा कि उससे पहले जो सेवाएं थी वो स्लो थी। जब ब्रह्मा बाबा ऊपर चले गए, ऊंचे चले गए, सूक्ष्म बतन में चले गए, तो सेवाओं ने काफी विस्तार किया और वृद्धि की, क्योंकि पहले दायरे में थे, लिमिट में थी, अभी अनलिमिटेड सेवाओं। इसीलिए बाबा ने कहा ये ड्रामा में पार्ट था। बच्चों ने बोला बाबा आपने बताया नहीं हमें। बाबा कहता ये ड्रामा में नहीं था बताना, अगर तुम्हारे को बताता मैं शरीर छोड़ रहा हूँ जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे छुट्टी देते? नहीं देते। इसलिए क्या बोलो अचानक हुआ, वाह ड्रामा वाह, ड्रामा को टॉप रखो, ड्रामा परमार बिल्कुल एक्यूरेट हुआ। ठीक है ना, क्योंकि सेवाओं का रुख बदलना था, सेवाएं तीव्र गति से होनी थी, इसीलिए सूक्ष्म होना पड़ा। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बनना था ना, इसलिए बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ा। फिर बाबा ने कहा दो प्रकार की रचना बाबा ने बताई आज है, एक तो है ब्रह्मा मुख वंशावली, जिन्होंने दादियाँ वगैरह जो है उनके मुख से जुड़ने ज्ञान लिया उसकी वंशावली, और हम कौन है जो अव्यक्त होने के बाद आए, हम हैं उनके संकल्पों की वंशावली, हम उनके संकल्प से हम उनकी वंशावली बने हैं, जो उन्होंने विचार दिए उसको सुन सुन के विचार बने, तो हम वो हैं। ठीक है ना, फिर बाबा ने कहा स्व सेवा, क्योंकि ब्रह्मा माँ है तो उनके हमेशा उनको प्यार रहा है, कहीं बच्चे रुकते भी है तो इतना प्यार है फिर आगे बढ़ा देते हैं, तो स्व सेवा माँ ने इस प्रकार से की। और विश्व की सेवा के लिए बाबा ने कहा आपको मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, है ना, पहले प्रोग्राम बनाते थे तन मन धन लगा देते, अब बाबा ने कहा आपको बनी बनाई स्टेज मिलेगी, आपको बनी बनाई स्टेज पर आपकी सेवा होगी, लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नत मानेंगे कि हमारे यहाँ आके सेवा करो। बाबा ने कहा वो समय आ गया, लास्ट का सीन बाबा ने इमर्ज कराया। ठीक है ना, तो ऐसे सेवा का परिवर्तन किया कि जय जयकार होनी होनी है। ठीक है जी, तो फिर कैसे होगी उसके लिए बाबा ने कहा करना क्या है कि बस अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करनी है, इसलिए मतलब कि अभी नहीं तो कभी नहीं ये याद रखना है, 63 जन्म गवाया अब गवाना कुछ नहीं है, बस कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चाहिए। दूसरे बताया कि आप रूप और बसंत हो, ज्ञानी आत्मा भी हो और योगी आत्मा भी हो, तो है कि हमारा ये योगी बनो पवित्र बनो, पवित्र बनो माना यही ज्ञानी बनना है। तो इसलिए बाबा ने कहा आप प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ बिजी रहो, अपने आप को बिजी रखो, ट्राई करके देखो, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है यही काम आएगी, यही शक्ति आपके आगे भी काम आएगी। ठीक है, तो बाबा ने बताया कि स्वचिंतक भाव, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट रखो, सिर्फ रखने वाले बनो। कैसे बनोगे, जब दूसरों के लिए रिमार्क्स नहीं दोगे उसने ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, नहीं खुद को बदलो।
दूसरों को कुछ नहीं कहना, खुद को बदलना है, तब कहेंगे प्योर और पॉजिटिव थॉट रखने वाले स्वचिंतक। उसके लिए कुल मिला के बाबा ने कहा हर्षित रहना है सदा। हर्षित रहने का एक इलाज है, जो भी दृश्य आता है, जो भी सीन आता है, उसको साक्षी होकर के देखो, डिटैच हो जाओ, ऑब्जर्व करो सदा। ये तो पिक्चर चल रही है, खेल चल रहा है ना, तभी हर्षित रह सकते हो। अगर अटैच हो जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे, तो हमेशा दुखी रहोगे। ठीक है, अब चलेंगे हम विस्तार से बाबा के महावाक्य। टाइटल है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्या राज। गुह्या राज क्या है? आज हम समय कैसे हमारे में दम चेंज आई, कैसे विश्व का परिवर्तन में तेज आई, सुनो गुह्या राज। आज सर्व बच्चों के स्नेही कौन है बाबा? सर्व बच्चों के स्नेही मात पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। अगर देखो आते ही बच्चों को वरदान दे दिया, ब्लेसिंग कर दी, ताकि बच्चों को मेहनत न करनी पड़े। क्या वरदान दिया? सारा दिन याद रखना सदा समीप भव, सदा समान समर्थ भव, बाबा के समान पावरफुल भव, और सदा संपन्न संतुष्ट भव। इतना भरपूर हो जाओ कि संतुष्ट भव। क्या क्या है? सदा समीप भव, समर्थ भव और संपन्न संतुष्ट भव। जो समीप होगा वही पावरफुल रहेगा, जो पावरफुल होगा वही सदा संतुष्ट रहेगा। तीनों में मुख्य वरदान बाबा ने आज दे दिए। फिर बाबा ने कहा सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। आपका थॉट चला और बाबा का तो एक सेकंड से पहले मेरे पास पहुंच जाता है। तो चारों ओर के चाहे देश चाहे विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन। 18 जनवरी को तो सभी प्यार के सागर में लवलीन रहते हैं। तो बाप दादा उसमें भी विशेष, बाप दादा में भी विशेष, ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख, लव में लीन देख, स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। और बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। माँ है ना, माँ का स्नेह ज़्यादा होता है। माँ का, ब्रह्मा माँ का बच्चों उसने पहले भी था और अभी भी रहा है, जाने अगर होने के बाद भी उतना स्नेह है। क्यों? क्योंकि पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। जिस माँ ने पाला है उसका बच्चों से प्यार तो हमेशा रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में और नैनों में माँ पिता के सिवाय और कोई नहीं है। मैंने क्या देखा? आज खुशी क्यों थी कि मेरे बच्चों में माता पिता के सिवाय और कोई है ही नहीं। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं, किसी पर कोई और डिपेंडेंसी नहीं, एक बल
एक भरोसा। और अगर कहीं रुकते भी हैं, इधर उधर जावट हो जाते हैं, तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। कुछ बच्चों से भी आती है, बाबा मम्मा का इतना प्यार है, आगे बढ़ा देते हैं। तो आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे। क्यों आज क्यों गा रहे थे? क्योंकि आज का दिन 18 जनवरी विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर, चंद्रमा क्यों ना बैकबोन, सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। ऊपर के सितारे हैं वो, हम इस जमीन के सितारे हैं। तो मम्मा बाबा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा मम्मा, है ना, हमको आज इस दुनिया के सितारों में चमका रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में, शुरू में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ अर्पण किया, यानी सब कुछ विल कर दिया, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, है ना। जब 18 जनवरी को ही बाबा ने सारी विल कर दी, दादी प्रकाश बनी के हाथ में सारी विल की, अर्थात विल, खाली विल की नहीं है, विल पावर्स भी दी उस विल को, पावर भी दी, शक्ति भी दी, आगे कैसे कार्य करना है। तो आज के दिवस कैसे विल दी बाबा ने, सारी विल पावर्स ट्रांसफर कैसे की 18 जनवरी को 69 को, आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। 18 जनवरी को वो दृष्टि दी बाबा ने और संकल्पों से देखते 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 रहे, दृष्टि देते रहे और सारी जो पावर थी ट्रांसफर कर दी। सबसे बड़ी गिफ्ट दी। आज के दिवस 18 जनवरी का महत्व बता रहे हैं। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। करण करावन हार है ना, तो करावन हार का प्रैक्टिकल में रूप दिखाया। तो ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावन हार बाप के साथी बने, करण हार निमित बच्चों को बनाया और करावन हार मात पिता साथी बने। क्या किया? करण करावन हार है, बाबा करवा रहा है, बच्चे कर रहे हैं, शिव बाबा करवा रहा है, ब्रह्मा बाबा बच्चे हम कर रहे हैं। तो 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की तरह करावन हार हो गए और हम बच्चों को करण हार बनाया। तो आज के दिन की महत्व धारे 18 जनवरी का, आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। पहले स्थूल में थी, अभी सूक्ष्म में सेवा चेंज कर दी। तो आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन, माना सूक्ष्म वतन निवासी बने। 18 जनवरी को ही ये देह का त्याग करके सूक्ष्म देह पर, सूक्ष्म देह ले ली उन्होंने, फरिश्ता स्वरूप बन गए। इसलिए व्यक्त से अव्यक्त क्यों बने? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए,
बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए, बच्चों के लिए उन्हें अव्यक्त होना पड़ा। इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस है, सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं लेकिन विश्व की आत्माओं का, उसमें भी स्पेशल ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में लूंदाई हुआ था, जो बच्चे भी देख ही रहे हैं। तो विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बनी, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने। पहले लोग संपर्क में थे, वही फिर बाबा के सहयोगी बन गए। तो ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो सेवा के प्रति क्या किया, संशोष फादर, बाबा ने बच्चों को बना दिया, अब बच्चों की ड्यूटी है अपने बाप को प्रत्यक्ष करना। सेवा के प्रति संशोष फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट क्या है, सेवा की लिफ्ट बन गई। गिफ्ट क्या दी, संशोष फादर। जब बच्चों ने बाप को प्रत्यक्ष करना है तो बच्चे भी तीव्र गति चलने लगे, ये उनकी लिफ्ट बन गई, बच्चों की उड़ने की लिफ्ट बन गई। तो काम मुझे डिपेंडेंसी मेरे पे ही है, सारा काम मुझे सौंप दिया, मुझे करना है तो नापी मैं फास्ट गति से करूँगा और इधर उधर के सकल सब छोड़ दूंगा, मुझे ही करना है। तो उससे वो बच्चे उड़ने शुरू हो गए, मना परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल, सेवा में और परिवर्तन देखे। नब्बे बाबा ने कह दिया था वही सेवा वैसे रहेगी, चेंज आती रहेगी। पहले बाबा व्यक्त में थे, अव्यक्त हुआ, अव्यक्त में भी अव्यक्त, अब वो चल रहा। देखो पहले बाबा ने बताया चेंज तो बार बार आएगी आएगी, वही पुरानी बातों को रखना नहीं अंदर। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई VIP को बुलाते हो, रेडियो TV वालों को सहयोगी बनाते हो, उनके लिए फिर धन भी लगाते हो, है ना, इतना स्टेज बनानी है, सब कुछ करना, धन भी लगाते हो। लेकिन अब उसने बताया आगे चल, आप स्वयं भी VIP हो जाए, आपसे बड़ा कोई उनको VIP दिखाई नहीं देगा। टाइम आ गया, देखो सब बुला रहे हैं, इस समय बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, है ना। अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, समझ आ गया ना वाला, तो आपकी मिन्नतें करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मेहनत आप नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तभी तो प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप की तरफ जाएगा। कि ज्ञान दुनिया सुनाती है बात, है ना, लेक्चर दुनिया देती है, पर इनकी बात ही अलग है, इनकी कमांड इतनी ज्यादा है, इनको कमांड देने वाला कौन, तभी तो प्रत्यक्ष होंगे ये। फिर बाबा ने कहा ये भी ज्यादा समय नहीं चलेगा, बड़ी दूर बात है, आप सोचोगे ऐसा ऐसा होगा, ये लास्ट के सीन बाबा बता रहे कैसे ऐसा आएगा, अब दुनिया बुला रही सबको स्टेज पर आओ, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना। बाप प्रत्यक्ष हो गया,
और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। समझ जाएंगे सारे कि ब्रह्मा कुमारीज कुछ नहीं चल रही, इनको चलाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। ये क्या बात बता रहे हैं, ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद बाबा पता क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, इतनी जबरदस्त मिलेगी। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेगी, जो टू लेट हो जाएगा, समय तो रहा नहीं, पश्चाताप करेगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाए। अभी समय है, बाहर की दुनिया न्यूज़ वगैरह देखने का टाइम नहीं है, सिर्फ अपने को परफेक्ट प्रत्यक्षता करो, बाबा को प्रत्यक्ष करो, फिर तो अंत आ जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है, आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। आप लोग कब लाएंगे, जब आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपकी ऊंची स्टेज होगी, तो प्रसाद आप इतना बढ़ाओ लोग आपको निमंत्रण खुद देना शुरू कर देंगे। और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना, सेवा का परिवर्तन। सुना, सेवा का परिवर्तन कैसे होगा, तो बाप के अव्यक्त बनने के, बाबा व्यक्ति हुआ, उन्हें शरीर को छोड़ा, सूक्ष्म में क्यों गए, ये ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते। बाबा ने कहा, तो क्या आप छुट्टी देते, कि बाबा कहते मैं समझ जा रहा हूँ, शांति मेरी, जान देते बाबा को, बाबा ने तुम छुट्टी देते, नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ। अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पद्म गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। तो ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना ही था, या स्नेह के बंधन में जाना था, इसे स्नेह ज्यादा रहता बन जाता वो, इसलिए कर्मातीत, कर्मों का कोई भी बंधन आकर्षित ना करे, तभी तो कर्मातीत बनेंगे। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में बांधा, ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के लिए कितनी देर में बांधा, समय होता तो पाठ हो जाता है ना, समय होता अगर आगे तो पाठ भी बाबा का एक्स्ट्रा होता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया, एक घड़ी का खेल हो गया, बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। जैसे ब्रह्मा को पता नहीं था मैं सीन छोड़ने वाला हूँ, पता था उनको, तभी तो लास्ट में गुड नाइट नहीं, लास्ट में दोबारा आकर के उनके, पर अनजान बन गए, बच्चे भी अनजान बन गए। इसको कहते हैं अचानक के पाठ को कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसे ही है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ ही नहीं सकता, फुल स्टॉप लगा दिया ना, नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। नहीं, अचानक का पार था, चले गए, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बाप भी चुप रहे, बच्चे
बच्चे भी चुप हो गए। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप, ड्रामा ने फुल स्टॉप लगा दिया। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगाना, पीछे उसके बाद बल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी ने जो वो चले गए सब हो गए, सर कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना, बाबा बाबा बुलाया भी बाद में, पहले नहीं बुलाया। ये ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है, क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। ड्रामा क्या है, ये परिवर्तनशील है, चेंज तो होनी होनी है ना, जो चेंज हो रही है उसको एक्सेप्ट कर लो तो खुश रहोगे, नहीं एक्सेप्ट करोगे ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, खुद ही दुखी रहोगे। अब ये सब टीचर्स, अभी जो लेटेस्ट टीचर्स है बाबा ने कहा ये अव्यक्त रचना है मेजॉरिटी, साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है। दादियाँ थी जिन्होंने ब्रह्म बाबा में साकार में पालना ली, तो फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्यों? क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रतन है दादियाँ वगैरह, आदि रतन है मुख वंशावली, और आप हो संकल्प की वंशावली, इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई है, एक मुख वंशावली फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि रची, ज्ञान सुनाया ओम की ध्वनि की और बच्चे पैदा होते गए, ज्ञान सुनाते रहते हम बच्चे पैदा हो गए, तो हम कौन है, संकल्प द्वारा सृष्टि रची, वो है मुख वंशावली, हो तो ब्रह्मा की रचना। क्या प्रूफ है इसका कि ब्रह्मा की रचना है, तभी तो बीके कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारियां कहलाते, कुमार कुमारियां कहलाते हो, शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना, तो डबल फॉर्नर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो, जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। जब संकल्पों की रचना है, संकल्पों से फास्ट गति रचना हो रही है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी सेकेंड चेंज भी तीव्र गति से होना चाहिए। तो सदा हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से हो, उसके लिए सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ व कभी कभी हूँ, समझा? अब क्या क्यों कई गीत खत्म करो, अब क्यों हुआ क्या हुआ कैसे हुआ, बाबा ने कहा ये बोलना बंद करो, गीत खत्म करो, क्या करो, कौन से गीत गाओ, वाह 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 ड्रामा वाह वाह मेरा भाग्य वाह भाग्य वाह भाग्य विधाता वाह 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 गीत गाओ। अच्छा फिर हुबली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हुबली कहाँ है, कलकत्ता में है ना हुबली, वहाँ के भाई बहनों से बाबा ने अव्यक्त पालना मुलाकात की। क्या बोला बाबा ने, सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले, पद्मा पद्म भाग्यवान समझते हो, ये जो गायन है हर कदम में पद्म, किसके लिए गायन है, तो चेक करो सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो, तो संगम योग बड़े से बड़े कमाई के सीजन की युग है। संगम क्या है, सबसे ज्यादा कमाई करने का युग है ना।
तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो कि भी सीजन है संगम युग, सीजन किसका है? जितनी मर्जी कमाई कर लो, जितना मर्जी भाग्य बना लो, तो हर समय ये याद रहे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जो घड़ी बीत गई वो फिर से नहीं आएगी, इतना टेंशन रखना है। जो घड़ी बीत गई वो फिर से नहीं आएगी, इसका मतलब एक घड़ी व्यर्थ जाना, एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए, है ना, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे, कौन सा? जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष है। कौन कौन? खुद भी विशेष है, समय भी इम्पोर्टेंट है। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेय संकल्प किया, मुझे बस अब पावरफुल बनना है, बस और कोई थॉट ही नहीं। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिली गई कि व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा, जब पता लग गया राइट क्या रॉन्ग क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ जा ही नहीं सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे, खुद पावरफुल होंगे तब दूसरों को देंगे। अब 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का ये एक जन्म है, इस जन्म को तो अलग लो, सीजन मिली है मुझे कमाई करने की, ठीक है ना। 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का ये एक ही जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए ना, तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। तो अमृत वेले से, चेक कैसे करेंगे, अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो, और ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, रात को दरबार लगा ली 5 मिनट 2-4 मिनट की, कुछ ज्यादा देर बाबा को सब बता दिया, आज बाबा ने उसके लिए मना किया। ऐसे नहीं सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो, बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। इतना टेंशन है ना, बार बार सारा दिन में तब चेंज कर सकेंगे कुछ, क्योंकि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं इतने पक्के हो गए जाते नहीं है, जो उसके लिए अटेंशन बार बार रखना पड़ेगा। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वो तो व्यर्थ के खाते में ही हो गया, जो हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया, गीत बजे ट्रैफिक कंट्रोल के, बस छोड़ दो सारे काम, उस गीत पे ध्यान से रहो। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, आप पूछ रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो? अपना नियम बना रहना चाहिए, चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तभी तो कमाई जमा होगी। उस समय गीत चल रहा है, जब उस समय अगर कोई काम है तो, अगर आपने एक चक्कर लगाना बीच में, मान लो है ना, ट्रैफिक को
अंदर में जो मन का जो ट्रैफिक है वो इधर उधर बातें चल रही है, कंट्रोल करना है तो क्या करो, उस समय अगर कोई भी काम है तो आधे घंटे के बाद करो। लेकिन लेकिन कर तो सकते हो, घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो, अपनी बुद्धि ही घड़ी है, दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। रावण ने क्या क्या दिव्यता दी थी, उस घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है, जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो न चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, जब बुरी आदत रहने नहीं देती, वो भी अपना काम करा रहे थे ना, गलत आदतें जो पड़ी हुई है अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। ये तो कैसे लाने हैं, जो बुरी आते चाहते नहीं हो, पता नहीं था कैसे हो गया, तो अच्छे संस्कार डालोगे तो क्यों नहीं होंगे। तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। ठीक है ना, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तो बाबा ने बताया जो गीत बनाए हैं, है ना, या चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं ये बीच में, चक्कर लगाते हैं क्यों लगाते हैं, ताकि बीच बीच में कोई भी काम है आपने आधा घंटे बैठ रहे हैं, चक्कर लगाना है, छोड़ सारे काम, कितना भी बॉन्ड काम छोड़ दो, बैठ जाओ, उससे चेंज आएगा जो कमी पीछे कमी या कमी है। दूसरी बात, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी है, और बसंत अर्थात योगी तू आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आप सबका स्लोगन क्या है, योगी बनो पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। ज्ञान क्या, माना बाबा को याद करो और पवित्र बनो। और औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसे ना हो कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, ये भी ना हो, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं, फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे, क्योंकि पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहीं लगे। सेकंड भी देरी से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। और जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा ले, क्योंकि ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्ति है ना मन बुद्धि संस्कार। इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय और जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है फिर रात को चेक करते हो, बीच बीच में चेक करो। इसलिए डायरी रखनी बहुत ज़रूरी है। डायरी में, डायरी से अटेंशन रहता है, तो अटेंशन रहता ही नहीं है, है ना। घंटे घंटे पर लिखो, टिक टिक करो, पता है कि अटेंशन रखना है, तो डायरी सारा दिन की रिपोर्ट ठीक रहती है। ठीक है, तो बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो, उस समय
ट्राई करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है, ये चेक करो। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है, इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वो रूलिंग पावर के अधिकारी बन ही नहीं सकते। संकल्पों में कंट्रोल आपको नहीं है तो शास्त्र कैसे बनोगे आप? तो स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हो, राज्य अधिकारी हो ना, अभी भी आप शासक हो, स्वराज्य मिला है ना। ऐसे नहीं, स्वराज्य में अपने कर्म इंद्रियों पर शासक हो ना, उसके राज है ना, कर्म इंद्रियों के दबा लगाते हो ना, शासन है ना उस पर। ऐसे नहीं आंख को कहो ये देखो और वो देखे कुछ और, कान को कहो कि ये नहीं सुने और सुनते ही रहे, इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, कोई भी आपकी कर्म इंद्रियां आपको धोखा ना दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। अपने आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा राज्य आपका है। तो राज्य चलाने आता है ना। अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का राजा? अब आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक है ना। ये तो बाद में परतंत्र बन गई है, सत्यदेवता में तो राजा थे ना बिल्कुल, आत्मा अपनी कंट्रोलिंग पावर पूरी थी उसमें। ये तो बाद में जब रावण आया तब परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। जब परम धाम में थे इंडिपेंडेंट थे, सत्यु में भी इंडिपेंडेंट थी आत्मा, तो आदि और अनादि स्वरूप है स्वतंत्र। तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। सुखबीर बाबा ने पूछा स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, क्या हो? मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन को ले आएगा। मन मनमानी कर रहा है किसी बात के लिए तो समझ लो अब बुद्धि को भ्रष्ट करेगा या संस्कार भी खराब हो जाएंगे। अब कितने जन्म बंधन में रहकर देख ही लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन में जब दुख अशांति परेशानी मिले और अभी भी अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने ही नहीं देता। नहीं बंधन होगा कि वो प्राप्तियों का अनुभव करने ही नहीं देता, इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, या ये कहो फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, डीले डीले नहीं, और ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। नहीं पहाड़ी पे जाना आपने, उतराई पे आना आपने, पहले ब्रेक चेक करते हैं ना, आप कितना ऊंचे जाते हो, तो ब्रेक तो पावरफुल चाहिए ना। तो बार बार चेक करो, ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक तो बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे ही नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। मैंने इसी बारे सोच रहे नहीं है, स्टॉप नहीं सोचना, ये देखने नहीं है नहीं देखना, स्टॉप। अब रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, जिन्होंने ऑकल्ट पावर ली होती है, क्या करते हैं? वो सिद्धि दिखाते हैं।
हम देखो हमने कितनी रिद्धि करके सिद्धि पाई है। क्या दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, ट्रेन चल रही है रोक दिया उसको, ये पावर है। बाबा ने कहा लेकिन उससे क्या फायदा, और आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे तो बहुत फायदे हैं। तो आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि से सिद्धि, है ना। वो अल्पकाल की है, रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की है, और ये सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए, रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं ये माताएं क्या करेंगी, दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती है, बनाती है ना। ऐसी शक्तियां हो ना, पूछ रहे बाबा, असंभव को भी संभव बनाने वाली शक्तियां हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथ ही समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं को और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को, क्या करना है लवलीन बच्चों को, इस महत्व दिवस के 18 जनवरी के महत्व दिवस के महत्व के साथ मात पिता की विशेष याद प्यार और नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, कितना अच्छा वरदान है, दूसरों के लिए रिमार्क्स देने की बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्व चिंतक भव, अपने बारे में अच्छा अच्छा पॉजिटिव प्योर थॉट लाने से रहो, ठीक है ना। कैसे आएंगे, जब खुद को बदलोगे, दूसरों को कोई कमेंट नहीं पास करने, कोई रिमार्क्स नहीं देने, ठीक है। द्वारा बताओ, दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्व चिंतक भव। बाबा ने कहा कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं बच्चे, जो दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। क्या कहेंगे, इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए क्या कहेंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है, आप बताओ मैंने गलत क्या बोला, है ना, हम तो बिल्कुल ठीक है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है, मैं तो ठीक बोला। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क्स देने के बजाय स्वयं के जज बनो, क्या करना है, स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना, मुझे ही बदलना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही करना है। उसके लिए स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है, सदा हर्षित रहना है, तो हर दृश्य को
साक्षी होकर देखो, यानी तभी कुछ रचते हैं जब वेखी जा छेड़ी ना, जो कोई कर रहा है करने दो, उसको बोलो ना कुछ भी, कुछ पूछता है तो बताओ, अगर कुछ ना किसी को छेड़ो। कि हर एक बंदा अपना अपना पार्ट बजा रहा है, उसको पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अपने पार्ट को देखना और अपने को चेक एंड चेंज करना है। ओम शांति।